नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही हार्ट टचिंग और एक थोड़ा पेनफुल चीज बताने वाला हूँ आपको कि हम सब ने सोसाइटी में कार जैसे केस बहुत सुने हैं, है ना। और हमको बुरा लगता है जब हमें देखते हैं, हम कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं और जो आरोपी होते हैं हम चाहते हैं उसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। बट आपको सुन के हैरानी ज्यादा होगी कि एक्चुअली ये जो एक्शंस होते हैं के वो तो 0% ही होंगे जिस हिसाब से वर्बल बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया या कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हर लड़की लाइफ में 1, 2, 10, 20, 30 बार कहीं ना कहीं एक तरीके से हरास हो ही जाती है, वर्बली ही सही। और ये बहुत ही डिस्कसिंग चीज है। ये वीडियो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक होते हुए देखा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका एक लाइव सेशन था जिसमें मैं भी इन्वाइटेड था। वो एक लाइफ कोच है, तो बता रहे थे कि किस तरीके से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। और सडनली बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे, लिटरली की बातें करने लग गए कमेंट सेक्शन में। एंड आई वाज लाइक, ये सडनली हुआ क्या? मतलब ये कौन है, ये कैसे लोग है, क्या मतलब ये क्या टाइप कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि यार लोग इतने कन्विक्शन के साथ इतने गंदे कमेंट कर कैसे देते हैं। हम लोग राम राज्य बात करते हैं, राम भगवान को बहुत मानते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मतलब मर्यादाओं की वैल्यू को समझते हैं वो। ये मर्यादा है क्या? मर्यादा तो हम बहुत वीक दिखाते हैं ना, कि ससुर के सामने घूंघट पहन लिया ये है मर्यादा, लड़की कमरे में रहेगी ये है मर्यादा, आदमी घर के बाहर बैठेगी ये है मर्यादा। मतलब मर्यादाओं को हमने बहुत ही नैरो माइंडेड और आउटडेटेड तरीके से ही सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है। जब कहते हैं कि अब जरूरत क्या है, शर्म क्या करना, जो करना है खुल के करो, ये जो फिलॉसफी सोसाइटी में फैली है ना, अब इसका साइड इफेक्ट रोज देख रहा हूं मैं। एक मैंने वीडियो वायरल होते देखी जहां पे एक लेडी कहती है कि एक अडल्ट लेडी कहती है कि मैं अडल्ट वीडियोज बनाती हूँ, 18+ कॉन्टेंट, और मेरा बेटा मेरा डायरेक्टर है। मैंने देखी एक वीडियो जहां पे एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी माँ पब्लिकली किसी रैंडम आदमी के साथ बहुत ही क्लोज हो रही है। मतलब मैं बताने नहीं चाह रहा कितना क्लोज, आप समझदार हैं, इतना तो शरीफ कोई नहीं है। और बेटा रो रहा है कि माँ ये क्या कर रहे हो आप। तो जो हम कहते हैं ना शर्म रखना, मर्यादाएं रखना, जब हम मर्यादाओं की वैल्यू नहीं समझते तो हम कहीं ना कहीं डिस्कस्टिंग होने लगते। जो चीज हमको बेटर पर्सन बनाती थी, जो एनिमल से इंसान बनाती थी, वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन वैल्यूज, उसको तो हमने खो दिया। अब पूरी सिविलाइजेशन ईटिंग, खाना खाना है, जॉब करना है, कमाने के लिए स्ट्रगल करना है, फिर संभोग करना है, और फिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। मतलब ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग ही होके रह गया है। एड्स आ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, आँख खुले, जब भी टीवी चलाता हूँ तब उसके ऐड आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या वो यूट्यूब पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे ये सब चीज़ें? नहीं, मतलब ऑफकोर्स ये सब चीज़ों की अवेयरनेस जरूरत है, बट किस एज को आइडिया देना है, कब देना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको। हम किसी इमेच्योर व्यक्ति को ऐसे बैक टू बैक एड्स दिखा रहे हैं और उसको वो भी ओवर ग्लैमराइज करके, डोंट यू थिंक अगर वो बेवकूफ हुआ, वो नहीं इतना मैच्योर हुआ, वो क्या करेगा फिर? हम लोग सेक्सुअलिटी को, वल्गैरिटी को ग्लैमराइज करके प्रमोट कर रहे हैं और वो इतनी ज्यादा सोसाइटी में अब घुल चुकी है कि वो गलत लगती ही नहीं है। जब तक थोड़ा सोच के ध्यान ना लगाए कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है, तब तक गलत ही नहीं लगती। इसलिए हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो मन में गंदगी गई, फिर धीरे धीरे चिंतन होने लगा तो पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई, और पर्सनैलिटी में जब गंदगी आ गई है तो फिर एक्शन तो ले गई गंदगी से, फिर वो ये सब कांड कर रहा है सोसाइटी में। अगर हम लोग कहेंगे नहीं यार इतना चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो इस बच्चे ने गलती कर दी थोड़ा माफ कर दो, जितना ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज करते हो उस कॉम्प्रोमाइज का रिजल्ट ये होने लगता है। तो सत्य से, धर्म से, अच्छाई से, शुद्धता से नो कॉम्प्रोमाइज। गलत है तो गलत है, एक्शन ले लो यार, जबरदस्ती जस्टिफाई मत करो। टिट फॉर टैट वाला मसला है भाई, कर्मा घूम के वापस आता है। अगर 1% आप कॉम्प्रोमाइज करते हो सत्य से, वो 1% कल को आपको आके ढसेगा, आपका बच्चा ही वैसा हो जाएगा। उस 1% का रिजल्ट ये आएगा कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी शर्मिंदा होना पड़ेगा। और हम सब कहीं ना कहीं ये सब फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बिकॉज हम हर बार शुद्धता से, धर्म से, सत्य से, अच्छाई से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जुगाड़ करके आ जाते हैं। उसका रिजल्ट सोसाइटी आज ऐसी हो गई है कि साइंटिफिकली वी आर वेरी एडवांस, बट कल्चरली, मॉरली हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि राम जी आ गए हैं, अब मर्यादाएं भी अपने जीवन में लाएं, और सब लोग लाएं। अगर गलत दिख रहा है तो बोले भाई, पर बोलने से पहले हम भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।